जिस वक्त बीजेपी सांसद बिधूड़ी दे रहे थे दानिश अली को गाली, उसी वक्त देश बजा रहा था शमी के लिए ताली। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के दानिश अली जी को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट डाउन। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। 10 ओवर में लिया 5 विकेट, फील्ड में नहीं थे सिराज, फिर भी आई आवाज, भाईजान ने कंगारुओं को तोड़ डाला। बूढ़े शेर शमी का आखिरी ओवर नहीं खेल पाए कंगारू, 5 विकेट लेकर वर्ल्ड कप में ठोकी दावेदारी, क्या मिलेगी हिस्सेदारी? कहते हैं किसी पर सवाल सोच समझ कर उठाना चाहिए, अगर वो जवाब देने पर आया तो आपकी बोलती बंद कर सकता है। अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली को इधर सदन में बीजेपी सांसद ने गाली दी, उधर अमरोहा के ही रहने वाले मोहम्मद शमी के लिए देश ताली बजाने लगा। एक तरफ रमेश बिधूड़ी पूरे कौम पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ बता रहे थे, तो इधर मोहम्मद शमी कह रहे थे हमारे सीने में हर वक्त हिंदुस्तान धड़कता है। जब देश के लिए खेलने की बात आती है तो हम गेंद से जवाब देते हैं, जब देश के लिए कलाकारी की बात आती है तो मुरादाबाद के शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन अपनी कला दिखाते हैं, जब देश के लिए लड़ने की बात आती है तो जवान कौम नहीं वतन देखता है। यही बात बिधूड़ी को भी समझनी थी, लेकिन जोश जोश में ऐसा बोल दिया कि अब नोटिस का जवाब देना होगा। उधर बिधूड़ी जब तक नोटिस का जवाब देते, इधर शमी ने ऑस्ट्रेलियाइयों को साफ साफ कह दिया कि हमें बूढ़ा मत समझना। मोहाली में खेले जा रहे पहले वनडे में शमी ने पहली सफलता दिलाई, पहले ओवर की चौथी गेंद पर मिशेल मार्श को स्लिप में गिल के हाथों कैच आउट करवाया, तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर सिर्फ 4 रन था। उसके बाद शमी ने स्टीव स्मिथ को सीधा बोल कर दिया, उसके बाद बारी आई स्टोइनिस की जो स्पिनर की तैयारी करके पिच पर उतरे थे, पर शमी ने 29 रन के स्कोर पर ही उनकी गिल्लियां बिखेर दी। अभी शुरुआती 3 विकेट का जश्न मन ही रहा था कि कप्तान केएल राहुल ने शमी को 49वां ओवर थमा दिया। पहले 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर मैथ्यू शॉट को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवाया, फिर चौथी गेंद पर अबॉट को पिच से ही अबॉट कर दिया, मतलब सीधा पवेलियन भेज दिया। इसके साथ ही शमी जहीर खान के क्लब में शामिल हो गए। 16 साल किसी भारतीय गेंदबाज ने कारनामा किया है। 2007 में जहीर खान ने 42 रन देकर 5 विकेट लिए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 37 विकेट लेकर शमी ने बीसीसीआई चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को पीछे छोड़ दिया है। अगर शमी ने बाकी के 2 वनडे में 9 विकेट और लिए तो कपिल देव के 45 विकेट का रिकॉर्ड तोड़कर नंबर 1 बन जाएंगे। हालांकि शमी के लिए नंबर 1 बनने से बड़ी चुनौती वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने की है। आपको याद होगा मोहम्मद सिराज ने कुछ दिनों पहले एशिया कप में 6 विकेट लेकर नई सनसनी मचा दी। सिराज ने साबित कर दिया कि शमी की जगह उन्हें क्यों चुनना चाहिए, और शायद शमी को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई कि अगर विकेट नहीं निकाले, रिकॉर्ड नहीं बनाए तो टीम में जगह मुश्किल है। कहा जा रहा है कि सिराज को चूंकि आराम दिया गया था, इसीलिए शमी को पहले ही कह दिया गया था कि सारा दारोमदार आपके ऊपर है, अगर यहाँ बेस्ट किया तो फिर आगे मौके के लिए कहना नहीं पड़ेगा, और शमी ने वो किया जिसकी उम्मीद कईयों को नहीं थी। अब सिलेक्टर्स के सामने शमी और सिराज दोनों ने बड़ी चुनौती पेश कर दी है कि आप किसे चुनेंगे। सिराज ने एशिया कप के मुकाबले में 6 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 6 विकेट चटकाए, जबकि मोहम्मद शमी ने 10 ओवर में 51 रन देकर 5 विकेट चटकाए। मतलब इकोनॉमी रेट के लिहाज से देखें तो सिराज का रिकॉर्ड बेहतर है, मतलब शमी और सिराज दोनों अपने खेल से विरोधियों को मात देने में लगे हैं। फिर भी बिधूड़ी जैसे नेता सदन में खड़े होकर कौम पर सवाल उठाते हैं और पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। खेल का सियासत से कोई लेना देना नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, पर कहा जाता है कि जब सिराज ने 6 विकेट लिया तो कई लोग खुलकर जश्न नहीं मना पाए। वो लोग कौन थे जो खेल में कौम ढूंढते हैं, ये बात हमें समझनी होगी कि खेल हो या राजनीति, इससे ऊपर उठकर हो तो ज्यादा अच्छा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।